गाइस, आज हम बात करेंगे अपनी बची हुई प्रॉपर्टीज की जो थी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। देखो, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताऊं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? मान लो मेरे पास वाटर है, ठीक है, वाटर है लिक्विड स्टेट में। ये अगर इसका टेम्परेचर क्या करता रहूं, मैं कम करता रहूं तो क्या होगा? एक वक्त ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर का पॉइंट ऐसा आएगा, उस पॉइंट पे वो जो लिक्विड वाटर है वो किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड आइस में चेंज हो जाएगा। लिक्विड वाटर किस में चेंज हो गया? सॉलिड आइस। वो पॉइंट जिस पर वो वाटर जो लिक्विड स्टेट में था वो सॉलिड स्टेट में चेंज हुआ यानी फ्रीज हुआ, उस पॉइंट पे, उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। इस फ्रीजिंग पॉइंट पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? इस सॉलिड के वेपर प्रेशर के। तो हुआ क्या फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब? ऐसा पॉइंट टेम्परेचर का जिस पॉइंट पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। अब कहानी बात करते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की, हिमांक में अवनमन की। कब होगा हिमांक में अवनमन, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें गिरावट कब आएगी, उसमें कमी कब आएगी? जब एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में जाएगा और जो सॉल्यूशन होगा उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यहां पर वही पैरामीटर्स अगर मैं मानूं कि मान लेता हूं फ्रीजिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का प्योर स्टेट में, कौन सा सब्सटेंस है अपने पास जो अपने पास सॉल्वेंट है उसका क्या माना? मैंने मान लिया TF, ठीक है, और जो सॉल्यूशन है अपने पास उसका क्या मान लिया मैंने? TF, ठीक है, F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से। वहां पर आपने क्या माना था? TB माना था, यहाँ TF मान लो, ठीक है। अब इनके बीच अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इनके बीच क्या प्लॉट करूं? ग्राफ दिख रहा है क्या आपको? चलो इधर बना लेते हैं। अगर मैंने ये क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का, ठीक है, तो अब सुनना, यहां पर क्या होगा? जो सॉलिड सॉल्यूट है अपने पास जिसका नेचर कैसा है? नॉन वोलेटाइल, वो सॉलिड है, उसके अगर कुछ लाइन होगी वो ऐसे जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं प्योर सॉल्वेंट की बात करूं, किसकी बात करूं? प्योर सॉल्वेंट की, जो किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। इसकी अगर बात करूं, इसकी कुछ लाइन इस तरीके से जाएगी। यहां पर मतलब किसी पॉइंट पर ये क्या होगी? जाकर के मिल जाएगी। अब जो सॉल्यूशन है उसकी लाइन की अगर बात करूं तो वो कुछ ऐसे जाएगी। तो यहां पर भी क्या होगा? किसी पॉइंट पे जाके मिली। अब इस पॉइंट को समझना, ये प्योर सॉल्वेंट था, ये प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर धीरे 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 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एक वक्त ऐसा आया कि ये जो सॉल्यूट था जो लिक्विड स्टेट में, वो सॉलिड सॉल्यूट के जैसा बन गया, यानी वो किस पे आ गया? सॉलिड स्टेट में आ गया। तो ये पॉइंट क्या होगा? यही तो अपना क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट होगा। किसका? प्योर सॉल्वेंट का। तो इसको मैं डिनोट कर देता हूं TF नॉट से, ठीक है। और यहां पर ये जो है ये किसका है? अपना सॉल्यूशन का, यानी विलयन का। ये अपने पास ठोस विलय का, ये अपने पास शुद्ध विलायक का। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ये किसका होगा? इस सॉल्यूशन का। तो यहां पर हुआ क्या है? देखो, ये पॉइंट आगे है, ये पॉइंट पीछे। तो क्या हुई है यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट में? क्या हुई? कमी आ गई ना। तो इसको अपने डिनोट करेंगे डेल्टा टीएफ से। और ये जो डेल्टा टीएफ है ये किसके इक्वल होगा? देखो यहां पर ये टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है? यहां टीएफ नॉट है, वो क्या है? ज्यादा है। किससे? टीएफ से। तो कमी कैसे डिनोट करोगे? टी नॉट एफ माइनस टीएफ। इसी को अपने क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको रफ करता हूं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब एक बात सुनना यहां, जब किसी सॉल्वेंट में यानी विलायक में कोई सॉल्यूट हम मिक्स करते हैं, कौन सा? नॉन वोलेटाइल, तो होता क्या है? इसके वेपर प्रेशर में कमी आती है, ये मैंने बताया था आपको, और फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या होती है? कमी आती है। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है इसी को अपने क्या बोलते हैं? डेल्टा टीएफ, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब अपने डेरिवेशन अगर स्टार्ट करें तो हमें पता है डेल्टा टीएफ जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या है? टीएफ नॉट माइनस टीएफ के इक्वल, ये अभी हमने देखा था। अब यहां से एक रिलेशनशिप निकली अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट। डेल्टा टीएफ होता है वो मोलेलिटी के क्या होता है?
प्रोपोर्शनल, ये भी क्या है मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है। यहां पर वही डेल्टा टी एफ इक्वल टू, वहां पर के भी आ रहा था, यहाँ क्या आ जाएगा के एफ आ जाएगा। मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, वैल्यू रखेंगे एम एल की, वो क्या होगी एन वन अपॉन डब्ल्यू टू जो हमने लिखी। चाहो तो यही 1000 कर दो, चाहो तो नहीं करो, जो तुम्हारी मर्जी है। एन वन की वैल्यू रखोगे एम वन अपॉन एम नॉट वन, तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा एट लास्ट मैं लिख देता हूँ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, ये एम वन अपॉन एम नॉट वन इंटू डब्ल्यू टू इंटू, चाहो तो 1000 कर दो। 1000 कब करोगे पता है ना, जब डब्ल्यू टू क्या हो ग्राम में, यानी जो मास या जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है किसमें हो ग्राम में हो, तो ये फॉर्मूला। अब यहां से आप लोग के एफ का एक फॉर्मूला और याद रख लेना, मैं लिख देता हूं आर एम नॉट टू इंटू टी एफ का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच, वहां क्या था इवेपोरेशन था, यहाँ डेल्टा एच क्या आ जाएगा फ्यूजन, यानी वहां वाष्पन की एंथैल्पी थी, यहां फ्यूजन यानी गलन की एंथैल्पी, गलन की एंथैल्पी होगी जो डेल्टा एच फ्यूजन या डेल्टा एच गलन लिख सकता हूं, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 1000। ये एक फॉर्मूला और ध्यान रखना आपको, यहां ये जो के एफ है इसको ध्यान रख लेना, के एफ को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। देखो क्रायोजेनिक नाम सुना ना, क्रायोजेनिक का मतलब ही होता है जब हम बोलते हैं ना, जब टेम्परेचर एकदम लोअर हो जाता है 0 डिग्री से भी नीचे, उसी को बोलते हैं क्रायोजेनिक। यहाँ पर अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, आपको फिनोमेनास आगे जब फर्दर आप आगे क्लासेस में जाओगे बड़ी बड़ी क्लासेस में, तो आपको पता चलेगा क्राई, ये क्रायो वर्ड कहीं पे भी जुड़ जाए तो इसका मतलब वहां टेम्परेचर क्या हो रहा है कम हो रहा है, ठीक है। या इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, है ना, ये भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की और ऑस्मोसिस फिनोमिनन की। अब देखो, अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हम ये फिनोमिनन समझते हैं ऑस्मोसिस यानी परासरण, ये क्या होता है। देखो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, इसको मैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर समझाऊं, मैं लो मेरे पास यहाँ एक बीकर में सॉल्वेंट है, ठीक है, एक विलायक है इस बीकर में, एक दूसरा बीकर है जिसमें मेरे पास क्या है सॉल्यूशन। विलायक जो सॉल्वेंट है वो मेरे पास यहाँ प्योर है, प्योर स्टेट में, लेकिन विलयन है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कब बनता है, जब एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, इसका मतलब मैं यहाँ पूछ सकता हूँ कि क्या है इम्प्योर वाली कंडीशन है, यहाँ तो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ प्योर सॉल्वेंट नहीं है भाई साहब, सॉल्यूट भी है, यानी ये इम्प्योर कंडीशन होगी। तब होगा क्या, कोई सब्सटेंस सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस या कोई भी लिक्विड, ये सॉल्वेंट माना है तो सॉल्वेंट मान लो, कोई सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी एक झिल्ली है, एक छलनी है, इसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, क्या बोलते हैं हिंदी में अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है, जैसे चाय को छलनी से छानते ना वैसे उस टाइप की छलनी। अब होगा क्या, यहाँ पर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ जाएंगे, इस सॉल्यूशन में जाएंगे। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, या मैं बोल सकता हूँ ये जो प्योर सॉल्वेंट है वो इम्प्योर की तरफ जा रहा है, प्योर वाला किधर जा रहा है, इम्प्योर की तरफ जा रहा है, ये जो प्रोसेस है इसी को अपने क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं। या मैं दूसरे शब्दों में इसको ऐसे बोलूं, किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन से किसी कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाइए तो क्या है? कुछ नहीं है इसमें, सॉल्यूट तो है नहीं, तो एक मैं क्या बोल सकता हूं, ये डाइल्यूट है मेरे लिए और यहां पर क्या हो गया इसका कंसेंट्रेशन जा रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ हाईली कंसेंट्रेटेड। डाइल्यूट से किसकी तरफ जाए, कंसेंट्रेटेड की तरफ, या मैं बोल सकता हूँ प्योर लिक्विड से इम्प्योर लिक्विड की तरफ, या प्योर सॉल्यूशन से इम्प्योर सॉल्यूशन की तरफ, या सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, कैसे भी बोलो प्रोसेस क्या है, किसी पार्टिकल्स का, किसी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का किसी सॉल्यूशन में घुसना वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब ये जो पार्टिकल इधर से इधर जा रहे हैं इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रोक भी सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ, रोक भी सकता हूँ। देखो इन दोनों सॉल्यूशन पे क्या लग रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है। अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ, ये पार्टिकल इधर जा रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ एक एक्सटर्नल प्रेशर और लगा दूं, जो वायुमंडलीय दाब लग रहा है, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है,
उसके अलावा एक एक्सटर्नल प्रेशर और लगा दूं जिसको मैंने नाम दे दिया पाई। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर मैंने अप्लाई किया इसके थ्रू होगा क्या, जो पार्टिकल इधर से इधर की तरफ मूव हो रहे थे वो रुक जाएंगे, यानी उनका मोशन क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसी को अपने क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पाई से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, परासरण दाब, परासरण दाब। आई बात समझ में, ठीक है, ऑस्मोसिस। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, अगर मैं क्या करूं, इसका रिवर्स कर दूं, रिवर्स करने का मतलब क्या है, अगर कोई सब्सटेंस इम्प्योर से प्योर की तरफ जावे, इम्प्योर से प्योर की तरफ जावे, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में होता क्या है, अपने घर पे जो आरओस लगे होते हैं ना उसमें होता क्या है, यही तो होता है, इम्प्योर लिक्विड होता है उसे वो किसमें चेंज करता है, प्योर में, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस का अगर ठीक उल्टा हो तो उसको क्या बोल देंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर अब हम यहां से रिलेशनशिप निकालें तो वो निकलती है पाई, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सी के। ये सी को बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोलर सांद्रता, या मैं इसको बोल सकता हूं सी को मोलरिटी, क्या, मोलरता, हिंदी में मोलरता। तो जो पाई है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, सी के। जब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन हटाऊं तो यहां पर क्या आएगा, इक्वल टू के साथ कोई कांस्टेंट आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा पाई इक्वल टू सी आर टी। क्या लिखा, पाई इक्वल टू सी आर टी। अब सी का मतलब आपको पता है क्या है, मोलरिटी है। मोलरिटी हमने कैसे डिफाइन की थी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये पता है। यहां अप्लाई करो तो क्या बनेगा, पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, यही बना। अब क्या करूं मैं, एन की वैल्यू रखूं क्या होगी, ये एन किसके लिए ले रहे हम, ये क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये होता है। तो यहां पर एन वन मतलब एम वन अपॉन एम नॉट वन इन टू वी ये आर टी, यही बना फॉर्मूला। तो इसको याद रख लेना, एम वन एम नॉट वन इन टू आर टी वी, ये पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अब देखो भाई साहब, यहां पर हमें तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने हैं। अब देखो उन सॉल्यूशंस की बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट करते हुए, तो देखो क्या होगा, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समपरासरी विलयन, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें मैं कंपेयर, मान लो एक सॉल्यूशन नंबर वन है एक सॉल्यूशन नंबर टू है, अगर सॉल्यूशन वन और सॉल्यूशन टू का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल हो, दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, परासरणी दाब बराबर हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहां से फॉर्मूला अगर बनाओ, पाई इक्वल टू क्या पढ़ा, सी आर टी पढ़ा ना, तो यहां से ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट अ टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से एक चीज निकल के आई, सी वन बराबर सी टू। अब सी का आप लोगों को पता है, सी क्या है, मोलरिटी यानी मोलरता है, यहां पर जो कंसंट्रेशन टर्म है सी वो मोलरता है, इसको मैं एन अपॉन वी लिख सकता हूं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एन वन अपॉन वी वन यहां हो जाएगा, एन टू अपॉन वी टू। और फॉर्मूला क्या बन सकता है, एक तो ये और एक और इससे क्या निकल सकता है, मास m1 अपॉन मोलर मास m01 into v1 equals to m2 अपॉन m02 into v2। तो ये फॉर्मूले बनते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, कब, जब सॉल्यूशन कैसा हो, आइसोटोनिक हो। यही अगर हाइपरटोनिक हो और हाइपोटोनिक हो, हिंदी में बोलते हैं हाइपर को अति परासरी विलयन, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्प परासरी, क्या, अल्प परासरी विलयन हिंदी में, ठीक है।
अब इनके बारे में ध्यान क्या रखना है, हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है, अपने क्या बोलते हैं हाइपर को, जैसे मान लो कोई गुस्सा करता है, अपना कोई दोस्त गुस्सा कर रहा है, अपने कहते हैं हाइपर मत दो, इसका मतलब उसका गुस्सा बढ़ रहा है। यहाँ पर जब कोई चीज बढ़ती है तो उसको बोलते हैं हाइपर। हाइपो का मतलब जब किसी चीज की क्या हो, डाउनफॉल हो, यानी उसकी क्या हो, कमी हो। यहाँ किस चीज की बात करूंगा, यहाँ मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूंगा। वही दो सॉल्यूशन है, यहाँ पर किसी एक सॉल्यूशन का, किसी भी एक सॉल्यूशन का क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए, किसी भी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, हायर हो रिलेटिव टू अदर, और यहाँ पर किसी भी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, कम हो रिलेटिव टू अदर, तो उनको क्या बोलेंगे, हाइपर एंड हाइपोटोनिक, अति पराशरी और अल्प पराशरी। इसके लिए एक चीज ध्यान रखना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आपने कोई एनिमल सेल रखी, और यहाँ पर भी हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आपने कोई सेल रखी, यहाँ पर अगर कोई एनिमल सेल जंतु कोशिका आपने डाली है तो वो क्या हो जाती है, अगर ये सिकुड़ जाती है, क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ये जो प्रोसेस हुआ है इसको अपने बोलते हैं, यानी तू प्लाज्मोलाइसिस, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आपने कोई जंतु कोशिका डाली है तो वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, यानी फूल हो जाती है। ये देखो ये चीजें, इनकी डेफिनेशन के बारे में प्रोसेस मैंने वहां पर समझाया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड मैं आपको चीज बता रहा हूं, यहां पर प्लाज्मोलाइसिस बोल रहे हैं अगर सिकुड़ती है, अगर यहां फूलती है स्वेल होती है तो इसको बोलते हैं हीमोलाइसिस, ठीक है, हीमो बोल दो, हेमो बोल दो, पाती की है, ठीक है। अब यहां पर एक गैलुसाक और वॉन्ट ऑफ की रिलेशनशिप पढ़नी है। देखो यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर की रिलेशनशिप है, यह जो गैलुसाक था उसने भी एक रिलेशनशिप दी, उसने क्या बोला, पाई इक्वल टू सी एस टी बोल दिया, क्या बोल दिया, पाई इक्वल टू सी एस टी, यहां पर आर की जगह क्या आ गया, एस आ गया। इस एस के बारे में जान लो बस, एस की जो वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, ये इसकी वैल्यू होती है। अब एस है क्या, एस है मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट, क्या है, मोलर विलयन नियतांक, बस। अब देखो एक आधा क्वेश्चन क्या बनता है, वो ये बन जाता है कि ये जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इनको मेजर किन तरीकों से, किन मेथड से किया जाता है, इनकी क्या क्या विधियां हैं मेथड इनको मेजर करने की, तो वो कुछ मेथड्स मैंने यहाँ लिखे हैं सबके। तो देखो जो आरएलवीपी है यानी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अपेक्षित ताप में अवलंबन जो है वेपर प्रेशर का, वो मेजर किया जाता है बैरोमीटर से, ये मैंने आपको पहले भी बताया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की ये तीन मेथड्स हैं, पहला है लैंड बर्गर एंड वॉल्कम मेथड, दूसरा है बैकमैन मेथड यानी बैकमैन विधि, तीसरा है कार्टर मेथड, ठीक है। ये मेथड बस ध्यान रखने हैं आपको। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवलंबन के दो मेथड्स हैं, पहला बैकमैन जो इसमें भी है और यहां पर भी, ध्यान रखना। दूसरा है राष्ट्र एंड कैम्फर मेथड, राष्ट्र की कपूर विधि, कपूर होता है ना, कपूर के थ्रू हम क्या करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी मेथड क्या है कैसे, अपने को नहीं लेना देना अपने कोर्स में, नहीं अपने को सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किन किन मेथड से मेजर की जाती है। चौथी जो है अपनी, वो इसको रफ करके मैं यहां लिख देता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए जो मेजरिंग मेथड्स हैं, ये देखो ये सब मेथड्स है ना साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है, ध्यान रखना। जो पहला मेथड है वो है फेफर मेथड, दूसरा है मोर्स एंड फ्रीजम मेथड, तीसरा है डीब्रिज मेथड, सब साइंटिस्ट के नाम है, उनके नाम से ही वो जो मेथड है उनका नाम पड़ा है। जो फोर्थ है वो बर्कल एंड हार्टल मेथड, अंग्रेज टाउनसेंड मेथड, ठीक है। बस आपको नाम याद रखने हैं, कौन सी प्रॉपर्टी किस टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन से मेथड हैं। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।